एक मंदिर से होता है कि नहीं रिवील हो पाएगा ऐसे मार्क्स आए हो तो कहता था, तो मैं नहीं रिवील कर पा रही थी, बट मैंने सोचा चलो कर देते हैं। Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So in today's video, I will be sharing with you all my AIATS2 result, and along with that, this video is gonna be a productive study vlog. So this whole video is gonna be with respect to my online classes, because Delhi mein pollution ki wajah se offline school band kar diya hai and online pe shift kar diya hai. Filhal ke liye notice hai ki ek hafte tak rahega and agle hafte se khul jayenge, but we don't know ki ab next day kab hai jis din hamein school jana hai. So guys, ye sare clips hai 19th of November yani Tuesday ki, to ye hamara second day hai जिस दिन हमारी ऑनलाइन क्लासेस थी, मतलब मंडे से हमारी स्टार्ट हुई थी बेसिकली। तो गाइज देखो, कल रात को मैंने अलार्म लगाया था 3 o'clock का, तो मैं 3:15 यानी 3:15 के अराउंड उठ गई थी, बट यहाँ पे मैं भूल गई थी कि मेरे को टाइम भी रिकॉर्ड करना है। तो इट वॉज 4 o'clock व्हेन आई गॉट रिमाइंडेड कि टाइम रिकॉर्ड करके आप लोग को मुझे दिखाना था। तो सुबह उठते सबसे पहले तो मैंने पानी गर्म करके पिया था, उसके बाद मैंने थोड़ी देर के लिए पढ़ा था एक घंटा। पढ़ने के बाद आई गॉट बैक टू किचन बिकॉज मेरे को लग रही थी भूख, एंड भूख लगती है तो मैं सुबह बना लेती हूँ चाय, क्योंकि चाय के साथ बिस्किट खा लेते हैं तो उसमें मेरा पेट जो है सुबह के हिसाब से भर जाता है। अब जैसे मैंने आपको टाइम दिखा दिया था कि अराउंड 4:45 मैंने अपनी चाय बनानी स्टार्ट की थी, एंड उसके बाद 5:30 जब हो रहे थे तो उसके अराउंड मम्मी और दक्ष उठ गए थे। तो इससे पहले मैंने कोई भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं की थी बिकॉज मम्मी और दक्ष सो रहे थे पीछे, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया ऑब्वियसली। बट इनके उठने के बाद मैंने फाइनली सोचा कि चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं अब। तो मैंने सुबह उठते ही ना फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया था, एंड अभी भी मैं फिजिक्स ही पढ़ रही थी बिकॉज एक लेक्चर था जो कि मैं ले रही थी, जो सॉलिड्स का मेरा कंप्लीट हो गया था, बट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने थे मेरे को जो कि उसी वीडियो में थे, तो मैंने वही कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। एंड अब मुझे नेक्स्ट जो स्टार्ट करना है वो है रोटेशनल मोशन। तो टाइम ऐसे जल्दी जल्दी से चला गया, एंड इस मोमेंट पे टाइम हो रहा था 6:30 AM, एंड हमारी जो क्लासेज है वो 7:40 से स्टार्ट होने वाली थी। तो यहाँ पे मैं बैठ के आराम से पढ़ रही थी, बट आपको पता ही अब दक्ष उठ ही गया है तो डिस्ट्रैक्शन तो होनी थी। तो अब इस वाली क्लिप में देखोगे कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट किया इसने मुझे साइड में बैठ के। तो जैसे मैंने आप लोगों को मेरे पिछले वाले स्टडी ब्लॉग में दिखाया था कि मेरे काफी सारे एग्जाम्स अभी आने वाले हैं, एंड दिन ना इतनी जल्दी जल्दी जा रहे हैं कि मेरे को पता नहीं चल रहा। देखो बेसिकली अभी मेरे यूटी आने वाले हैं, 29th ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, एंड मैंने सारे एग्जाम के बारे में आपको अपने पिछले व्लॉग में बता दिया था। तो हाँ, मेरा यूटी आने वाला है जिसके लिए मेरे को काफी चैप्टर्स जो है वो अभी भी कवर अप करने हैं। लाइक मेरी केमिस्ट्री पूरी की पूरी बाकी है बिकॉज आई एम नॉट एट ऑल डन विद द चैप्टर्स दैट आर थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम। तो ये चैप्टर्स मेरे को अभी करने हैं, एंड मेरे को फिजिक्स में थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं रोटेशनल एंड ग्रेविटेशन की। तो बायो तो मेरी कंप्लीट हो रखी है, बस एक्सक्रीटरी बचा है, एंड बस केमिस्ट्री और फिजिक्स में मेरे को थोड़ा सा ध्यान देना है और प्रैक्टिस करनी है। वैसे कैमरे में इतना पोल्यूशन दिख नहीं पाएगा, बट लेट मी स्टिल ट्राई टू शो यू ऑल इट हाउ द पोल्यूशन इज लुकिंग लाइक इन आर एरिया। तो ये क्लिप है ट्यूसडे की, एंड ये वाली क्लिप है मंडे की। तो ये मंडे था जिस दिन हमारी एक्चुअली में ऑनलाइन क्लासेस के लिए नोटिस आया था, एंड इस वक्त थोड़ा सा ज्यादा फॉग था बट ट्यूसडे तक कम हो गया था। एंड गाइज दोनों सेम ही टाइम की क्लिप्स है, मतलब मैंने सुबह सेम ही टाइम पे उठ के वो रिकॉर्ड किया था। अब गाइज देखो, अब मेरी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी, तो सबसे पहले तो मैंने अपने सुबह सुबह के काम जल्दी से कंप्लीट कर लिए। सबसे पहले मैंने अपना टेबल क्लीन कर लिया बिकॉज काफी गंदा हो रखा था। तो ये क्लीन करने के बाद इट वॉज अराउंड 7:20, एंड अभी तक मैंने नहाया नहीं था, एंड मेरे को 10 मिनट में नहा के वापस आना था बिकॉज क्लास का टाइम होने वाला था ऑलरेडी, एंड फिर मैम अटेंडेंस लेना स्टार्ट कर देती। तो मैंने जल्दी से सबसे पहले आपको दिखा दिया कि मेरी कौन कौन सी आज मेनली क्लासेस होने वाली हैं, लाइक इनके अलावा और भी थी बट इसमें नहीं दिख रही है कैलेंडर में, बट और भी क्लासेस थी। तो मैं जल्दी से 10 मिनट में नहा के आई, मैंने अपनी अटेंडेंस दी, एंड देन एग्जैक्ट 8 o'clock पे हमारी नॉर्मल क्लासेस होती है सब्जेक्ट वाइज वो स्टार्ट हो गई थी। अब गाइस मेरी बायोलॉजी की क्लास खत्म होने के बाद मेरे को बायो की कुछ नोट्स कंप्लीट करने थे बिकॉज क्लास में बैठ के तो मुझसे सुनने वाला काम ही बड़ी मुश्किल से हो पा रहा था। देखो एक तो नेटवर्क इश्यूज होते हैं, ऊपर से ऑनलाइन क्लासेस में इतना कुछ समझ नहीं आता बिकॉज मैम की जो हैंड मूवमेंट्स होते हैं, मैम के जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं ना, वो नहीं दिखते। अब आपको पता ही है कि ये दोनों चीजें ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चीज को समझने के लिए, लाइक मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मेरे को मैम नहीं दिख रही थी तो ऑब्वियसली मेरे को इतने अच्छे से समझ नहीं आ रहा था, लाइक आधा आधा समझ मेरे को आ रहा था। तो उस वक्त मैं थोड़ा सा पढ़ने पर ध्यान दे रही थी, मैंने कुछ भी नोट डाउन नहीं किया था, मैंने बस स्क्रीनशॉट ले लिए थे जब मैम बोल रही थी नोट डाउन करने के लिए। फिर मैंने सोचा कि बाद में जब ब्रेक मिलेगा 5-10 मिनट का तब मैं इनको कंप्लीट कर लूंगी। तो यहाँ पे बायो की क्लास होने के बाद मैंने अपने सारे जो नोट्स के स्क्रीनशॉट लिए हुए थे ना, उनको मैंने जल्दी से अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना स्टार्ट किया ताकि मेरा कोई बैकलॉग ना बन जाए इन काम का, बिकॉज जैसे हमारे स्कूल खुलेंगे ना इन पोल्यूशन वाले डेज के बाद, उस दिन मैं पक्का चेक करेंगी। बिकॉज देखो ऑनलाइन क्लासेस में मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ये करते हैं ना कि वो नोटबुक कंप्लीट नहीं करते, मतलब ऑनलाइन क्लास ऑन करके चले जाते हैं। तो इसलिए मैम जो है हर क्लास में बोलती है, हर एक टीचर बोलती है कि जैसे स्कूल खुलेंगे ना मेरे को ये सारी चीजें ना आपकी नोटबुक में चाहिए,
तो चाहिए, तो इसलिए मेरे को कंप्लीट करनी पड़ती है। अगर कोई बाई चांस काम छूट जाता है, मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं तो फिर मैं अपने फ्रेंड से मांग लेती हूँ, बिकॉज वो एक्टिव रहते हैं उस वक्त पे, तो हाँ मैं उनसे मांग लेती हूँ। तो मैंने इसी तरीके से अपने पूरे बायो के नोट्स कंप्लीट किए जितने फिलहाल तक करवाए थे। अब गाइस चलो, बायो का तो कंप्लीट हो गया था, अब मेरे को ज्वाइन करनी थी अपनी नेक्स्ट क्लास। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्रेक मिलता होगा बीच में, बट नहीं, ब्रेक नहीं मिलता है। आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर माई टीचर टू अराइव। अब जब तक टीचर नहीं आ रहे थे ना, तो कुछ बच्चे होते हैं ना जो ऐसे ऐसे चीज़ें करते हैं, मैं आपको एक क्लिप दिखाती हूँ। लाइक मैं इसका नाम नहीं दिखाऊंगी, बिकॉज नहीं दिखाना मेरे को, वरना वो मुझे बोलेंगे। तो वैसे देखो, ये हरकतें चल रही थी हमारी क्लास में, तो मैंने ऐसे रिकॉर्ड कर लिया जस्ट टू शो यू ऑल। तो ये हरकतें करते हैं हमारी क्लास में बच्चे। लाइक ये तो कुछ भी नहीं थी, और भी चीज़ें होती हैं, बट मैंने को चांस यहीं पर मिला रिकॉर्ड करने का, तो मैंने कर लिया। मैंने सोचा चलो कर लेते हैं एंड आप लोगों को दिखा देते हैं। तो ये सब करने के बाद हम चले गए थे शाम को वॉकिंग करने के लिए, एंड वहाँ पे मेरे को रेलवे ट्रैक पे मिली इतनी क्यूट सी किटन। लाइक ये यहीं पे रहती है, पिछली बार भी हम जब वॉकिंग करने आए थे ना, हमें इसी जगह पे मिली थी, तो यहीं पे घूमती रहती है आस पास, बट शी वॉज वेरी क्यूट। कैमरा तो हिल रहा है, मेरी गलती है। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं वॉकिंग करने के लिए। अभी बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज़्यादा आ रही है, ट्रेन के समय ऐसे बढ़ना पड़ रहा है। नाउ गाइज कमिंग बैक टू आर नेक्स्ट डे, डैट इज वेंसडे। तो ये हालत हो रखी थी मेरे रूम की आफ्टर ऑल माई ऑनलाइन क्लासेज वर वाइंडेड अप। अब गाइज लेट मी शो यू ऑल सम क्लिप्स जो कि मैंने अपनी क्लासेस के बीच में रिकॉर्ड की थी ब्रेक में, तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये वाली क्लिप्स देखो, ये बहुत ही ज्यादा फनी है, बट इट इज वेरी क्यूट ऑल्सो। तो गाइज देखो, अगर मैं नॉर्मली स्टडी क्लिप्स आपको दिखाऊंगी ना, तो इट विल बी टू बोरिंग। सो ये वाला आज की वीडियो तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, बिकॉज मैंने काफी अलग अलग क्लिप्स एड किया है। सो डू लेट मी नो कि आपको नेक्स्ट किस टाइप का स्टडी ब्लॉग चाहिए। Hi guys, so we are finally on the stage of this video where I'm gonna reveal my AI ATS 2 results. Like मैं जो first वाला AI ATS हुआ था वो भी काफ़ी ज़्यादा average किया था, एंड उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया था, तो आप लोग ने अगर नहीं देखा है तो वो भी जाके देख सकते हो। लाइक वो भी इस तरीके का वीडियो था जिसमें मैंने अपने AI ATS का रिजल्ट बताया था, एंड साथ ही एक प्रोडक्टिव स्टडी ब्लॉग था। तो इसी सेम टाइप का ये वाला वीडियो भी है, इसमें भी मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं, AI ATS रिजल्ट एंड माई प्रोडक्टिव स्टडी ब्लॉग। तो अब देखो, इस वाली चीज़ को मैं ज़्यादा घुमाऊंगी नहीं, आई विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड कमिंग टू माई रिजल्ट, एंड मैं आपको अपना सीधा रिजल्ट बता दूंगी। तो बेसिकली गाइस देखो, मेरा पिछले वाला जो AI ATS था वो भी काफ़ी एवरेज गया था। एवरेज मीन्स लाइक 490 to 550, इतना जो नंबर आता है, जो एवरेज होता है, जो कि अच्छा नहीं होता है मार्क्स, एंड इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं होता, ज़्यादा अच्छा नहीं होता, तो जो एवरेज होता है उस टाइप का। तो पिछली बार मेरा ऐसा आया था रिजल्ट, एंड इस बार भी उसी तरीके का आया है एवरेज, जो कि सेटिस्फाई, जो सेटिस्फैक्ट्री वाला पॉइंट होता है, लाइक सेटिस्फैक्ट्री वाला पॉइंट कितना होता है, अबव 650, तो उतना नहीं आया, तो इसका मतलब सेटिस्फैक्ट्री से तो कमी है, बट हाँ इट इज एवरेज स्कोर। तो AI ATS 2 में भी यही आया है, बट जो थिंग मेरी इंप्रूव हुई थी मैं आपको बता देती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस देखो, पिछली बार जो मैंने गलती की थी वो मैंने AI ATS 2 में गलती नहीं की है। लाइक मैंने नई गलतियां की हैं, बट मैंने पुरानी गलतियां नहीं की हैं, सो दिस इज अ गुड पॉइंट। तो मैंने नई वाली गलतियां की हैं, अब ये जो नई वाली गलतियां हैं उनको मैं नेक्स्ट वाले एग्जाम में नहीं करूंगी, एंड आई विल बी ट्राइंग टू फोकस ऑन ऑल द पॉइंट्स, ताकि कोई और नई गलती होने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाए। तो हाँ, दैट्स ऑल अबाउट माई रिजल्ट्स। मैंने आपको प्रॉपर नंबर नहीं बताया, बट आई जस्ट टोल्ड यू ऑल कि माई स्कोर आर एवरेज। मैंने आपको इसमें बीच में बता दिया कि कितने से कितने के बीच में हो सकता है वो। तो हाँ, दीज आर माई स्कोर। लाइक वैसे आई वॉज नॉट प्लानिंग टू रिवील माई रिजल्ट, वैसे मेरा प्लान तो था रिवील कर दूंगी, चाहे अच्छे हैं या फिर बुरे, बट स्टिल एक अंदर से होता है कि नहीं रिवील हो पाएगा ऐसे मार्क्स आए हों तो, क्योंकि मेरे पहले अच्छे मार्क्स आते थे 10th में, आपको पता ही है। 11th में ऑफकोर्स डाउनफॉल होता है, बट एवरेज मार्क्स देख के भी अपने आप को भी बुरा लगता है कि हम ये बाकियों को कैसे बताएं। तो दैट्स वाई वो थोड़ा सा मेरे अंदर था, तो मैं नहीं रिवील कर पा रही थी, बट मैंने सोचा चलो कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दिया है, अब की बार मैंने प्रॉपर मार्क्स नहीं बताए हैं, बट स्टिल मैंने आपको बता दिया है कि आई हैव स्कोर्ड एवरेज इन AI ATS 2। सो दैट्स ऑल अबाउट माई रिजल्ट। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए मेहनत करने के लिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड इट अ लॉट। आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।